आरोग्य मंत्र देख रहे हैं आप और आज हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचने का उपाय क्या है वो सब जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन अभी ये कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, बताइए क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रमोद नाम है मेरा, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी बताइए क्या समस्या है? थायराइड की प्रॉब्लम है मेरे को। अच्छा, कब से है भैया थायराइड की प्रॉब्लम आपको? ये 1.5 साल से है जी। तो अभी दवाई ले रहे हैं कोई थायराइड की? हाँ जी। उससे कंट्रोल है? नहीं, उससे कभी हो जाता है ठीक, कभी नहीं होता। अच्छा, देखो सबसे पहले तो जो है थायराइड एक ऐसी बीमारी है कि उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जब भी थायराइड आपको हो तो थोड़ा सा उसको, चाहे कुछ महीने आपको जो दवाई लेनी पड़ती है या कुछ ज़्यादा टाइम भी लेनी पड़े, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आयुर्वेदिक दवाई भी उसके साथ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से कि रोग की जो जड़ है, जो मूल कारण है, उसको नष्ट किया जाए। और उसमें हमने अच्छे रिजल्ट्स भी देखे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थायराइड के आ जाते हैं, लेकिन टाइम बड़ा लंबा लगता है। लोग, मैंने देखा कई बार 3-4 महीने में छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। अंग्रेजी दवाई पूरे साल खा लेंगे, पूरी ज़िंदगी खाएंगे, क्योंकि डॉक्टर उनको गोली देता है, अब तो ज़िंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी। वहाँ कोई बेचैनी नहीं है उनको, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास आके पता नहीं क्यों बेचैन हो जाते हैं। या तो वो समझते हैं कि भाई आयुर्वेद जो है वो बहुत जो है बहुत बढ़िया चिकित्सा पद्धति है, वो बिल्कुल ठीक करेगा, बल्कि वो अच्छी सोच है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रोग है तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा नियमित रूप से दवाई खानी चाहिए। तो आपसे निवेदन यही करूँगा कि दवाई आयुर्वेदिक इसमें ज़रूर शुरू करें आप। आपके वहाँ कोई अच्छे वैद्य मिल जाए उनसे भी आप मिल सकते हैं, हमारे यहाँ तो पूरा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिसर्च भी कई बीमारियों पर हम कर रहे हैं और थायराइड पर भी हमने काफ़ी काम किया है। तो यहाँ से भी आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से आप बातचीत करके और उसकी औषधि मंगा लीजिए। थोड़ा सा एक चीज़ इसमें और बताऊँगा, गले में थोड़ा सा मालिश करिए देसी घी से या तिल के तेल से, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड हमारा होता है। तौलिया गर्म पानी में डाल के थोड़ा निचोड़ के उससे लपेट लीजिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक उज्जयी प्राणायाम होता है, बहुत बढ़िया प्राणायाम है इसके लिए, जिसमें आपको सांस लेना होता है, थोड़ा गले में आप आवाज़ करते हैं हल्की सी, जैसे खरांटे आते हैं उस तरह की आवाज़ आपको गले से करनी होती है, डीप ब्रीदिंग उसमें होती है। उज्जयी प्राणायाम से भी थायराइड में आपको फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा ये कोशिश करिए, रोग आपको भी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, 1.5 साल पुराना हुआ है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। जी, तो चलिए उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं आप उनको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करेंगे ताकि उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आपको मिल सके। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका आरोग्य मंत्र में। नमस्कार जी मैडम जी। जी बताइए क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम कृष्ण पाल है, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। जी बताइए मैम, मेरे सर से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे ना टांगों में नीचे सूजन रहती है। अच्छा, तो 2 साल से है तकरीबन, डॉक्टरों को दिखाया है, वो कहते हैं खून का दौरा नहीं होता है पूरा। नहीं तो पैरों में सूजन होती है, पूरी टांग में? सर पूरी टांग में रहती है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी भी? सर मेरी 32 साल उम्र है। अच्छा, तो कोई उन्होंने कोई इसका डायग्नोज निकाला कि क्यों सूजन आती है? सर उन्होंने टेस्ट तो करे हैं, डॉपलर जो होता है, तो उन्होंने देखा है नसों में खून पूरा नहीं जा रहा है, मतलब। अच्छा अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें, मतलब ऑपरेशन होगा ऐसे बता रहे हैं वो। देखो बड़ा अच्छा आपने समझाया कि डॉपलर टेस्ट भी किया है और उन्होंने कहा है कि ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से कई बार वहाँ पर जो है वो पूरा खून वापस भी नहीं आता है, वहाँ जमा हो जाता है। तो आयुर्वेद में हम इसको एक ही तरह से चिकित्सा करते हैं, सिंपल प्रिंसिपल है कि स्रोत शुद्धि, पहले खून को साफ करने के लिए कुछ रक्त शोधक औषधियाँ इसमें दी जाती हैं, फिर जो चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि हम हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर सप्लाई क्यों नहीं जा रही जी। या तो खून गाढ़ा हो गया है जी, या खून में आम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है जी। या जो आपकी जो आर्टरीज या वेन्स जिसमें ब्लड आपका जो फ्लो करता है, जो आपकी रक्त वाहिनी जो हम उसको कहते हैं, या रक्त की जो कैपिलरीज हैं उनमें कोई हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो हमारे इनको हम अपनी भाषा में कहें तो इनको हम स्रोतस बोलते हैं। और स्रोतोवरोध के कई कारण होते हैं, कई बार कोई चीज़ ब्लॉक हो गई है, कभी कभार वहाँ पर कोई चीज़ सूजन आ गई है, कभी जो है वो फ्लूइड उल्टा जो चल रहा है उसमें, विमार्ग गमन उसको बोलते हैं। तो कई प्रकार की स्रोतो दृष्टि आयुर्वेद में बताई गई है और चिकित्सा इसकी
स्रोतस शुद्धि करनी पड़ेगी उसकी। स्रोतस शुद्धि के लिए औषधियां भी हैं, पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें की जाती है, और मैं ये कहता हूँ कि स्रोतस शोधन के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में हैं, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फर्क आपको जरूर पड़ेगा इसमें। तो आयुर्वेदिक औषधियां लें अभी फिलहाल के लिए, केवल मैं एक छोटा सा बताता हूँ, जाके 15-20 दिन आप खाएं तो शायद आपको उससे भी रिलीफ मिले और आपका हौसला थोड़ा बढ़े, आयुर्वेद में थोड़ा विश्वास आपका बढ़े, कि हल्दी का सेवन आप करना शुरू कर दीजिए। कोई 250 मिलीग्राम के करीब, दो रत्ती के करीब हल्दी सुबह और शाम आप सेवन करिए। चाहे तो आप पानी में घोल के पी लीजिए, चाहे दूध में घोल के पी लीजिए, उसको नियमित रूप से सेवन करिए, उससे भी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू होगा। एलोवेरा बहुत अच्छा है, एलोवेरा का जूस आजकल बहुत मिलता है, एलोवेरा का जूस आप ले सकते हैं। और पानीपत में अगर आप रहते हैं तो सोनीपत में हमारी क्लिनिक है, वहाँ जा करके आप हमारे डॉक्टर से एक बार फिजिकली पर्सनली भी मिल सकते हैं, और वहाँ से कुछ ही एलोवेरा का जूस या कोई जो भी औषधियाँ वो देंगे स्रोत शुद्धि के लिए, वो भी आपको ज़रूर शुरू करनी चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा, क्योंकि 32 साल की आपकी उम्र है, तो अभी मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ आप औषधि के द्वारा ही ठीक करिए। एक लास्ट रिजॉर्ट अगर कुछ भी नहीं होगा तो ऑपरेशन तो फिर आप कह रहे हैं कि करा ही लेंगे उस समय, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी इसमें कुछ ना कुछ किया जा सकता है, तो इसलिए आप इसमें अवश्य कोशिश करें ताकि कुछ आपको फायदा हो जाए। डॉक्टर साहब, हम अपने शो के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो ऐसे में बहुत जल्दी मैं आपसे गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स जानना चाहूंगी, और टिप्स क्या देंगे आप दर्शकों को? देखिए, सिम्टम्स तो मुख्य रूप से एक शार्प पेन होता है लीवर के एरिया में, राइट साइड में, यहाँ पर पीछे की तरफ दर्द जाता है अक्सर, ऐसा एक लक्षण होता है उसमें। इसके अलावा जो है, कई बार जो है लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, ये मुख्य लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो आज हमने जाना गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, लेकिन एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखना, वो ये कि अगर आपको अपनी बॉडी में कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आपकी बॉडी आपको कोई सिग्नल दे रही है कि कुछ गलत हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ताकि उस हिसाब से आप आगे बढ़ सके और अपने आप को उस परेशानी से या आने वाली परेशानी से जल्द निजात दिला सके। तो आज के लिए आरोग्य मंत्र में बस इतना ही, लेकिन हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट करके रखिए जो है 01294040404। इसके अलावा आप लॉगिन कर सकते हैं जीवा की वेबसाइट पर, विच इज www.jeeva.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@jeeva.com। जीवा को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही जीवा की मैगजीन परम आयु को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।